देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये जो तीन कानून हैं इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3-4-5 बिजनेसमैन, जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये तीन कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं, और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन तीन कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपके आपके सवाल। थैंक यू सर, वील नाउ वील स्टार्ट। यस सर, सिद्धार्थ विल बिगिन विद यू। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। संजीव, सी द प्राइम मिनिस्टर, as I said in a speech in Tamil, in Kerala, this is the biggest transfer of wealth, the biggest transfer of wealth from the largest number of people to the smallest number of people. You have seen what has happened in COVID. During COVID, the poor have got poorer, and a handful of rich people, 5-6 rich people, have just got richer and richer and richer and richer. This anger that you're seeing in among the farmers, this is that anger, that 5-7 people have everything, we have nothing, और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए GST बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वो कुछ बोलने को नहीं है, मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, एक इंच पीछे मत हटिए, एक इंच पीछे मत हटिए, ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4-5-10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। न्यूज 24 रमन। सर, कल गाजीपुर में किसान के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि
जिला पार्षद के पति कुछ लोगों के साथ संरक्षण में बार बार जिस टेंट में किसान रह रहे हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये गलत फहमी है बीजेपी को, इसमें अभी एक इशू है कि देश के किसानों को, मैंने केरला में तमिलनाडु में बात की, देश के किसानों को ये कानून अभी तक डेप्थ में समझ नहीं आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, इधर बात समझ आ गई है। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आंदोलन यहां रुकेगा। ये आंदोलन, मैं बता रहा हूं, ये आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है, उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। सुनील फ्रॉम, देखिए ये जो इंस्टेबिलिटी है, इस इंस्टेबिलिटी से देश को फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अन्याय किया है, अन्याय को ठीक करने के बिना इंस्टेबिलिटी नहीं जाएगी। मगर मैं कह रहा हूं कि इंस्टेबिलिटी से फायदा नहीं है, बातचीत करना है और इसको रिजॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी करना है। I think absolutely the person who has allowed this to happen should resign, but there's no way he's going to resign. I mean, the BJP doesn't take responsibility for its actions, so I don't expect him to resign. But the whole idea is to discredit the farmers. Look, this is a genuine voice. This is a genuine voice, and it is the voice of India that is speaking. ये देश की आवाज है, प्रधानमंत्री को सुननी ही पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं सुनेंगे ये फैलेगा, ये बाकी प्रदेशों में जाएगा, इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। मेरा काफी एक्सपीरियंस है, अब 15 साल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, इसको आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये फैलेगा और जोनों से फैलेगा। पीटीआई भाषा अनवर, उसको क्या, उसको लोकल बनाम फार्मर्स बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ हाँ, और कहीं कि पंजाब बनाम हरियाणा भी हो रहा है। हाँ, इस बारे में आपका क्या कहना है? और पुलिस, एक बात बताइए, ये कितने 70 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली, 67 दिन ये महीनों से यहां खड़े हैं, 10-15 लोग तो नहीं है ना, लाखों लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इनको, इनकी फीलिंग होगी, इनका दर्द होगा। ये सबके सब, मतलब लाखों लोग बस ऐसे ही खड़े हुए हैं क्या, बिना कोई कारण? कोई ना कोई कारण तो है, सिंपल कारण है, आप इनका भविष्य इनसे छीन रहे हो, आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने 2-3 मित्रों को पूरा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम पकड़ा रहे हो, और आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे? अगर आपके घर में रात को चोर आए, आप अपनी उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे क्या? करोगे?
तो हर किसान के घर में चोर घुस रहा है, नरेंद्र मोदी जी उनको डाल रहे हैं अंदर, और किसानों नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि किसान कुछ नहीं बोलेगा, घर चला जाएगा, कैसे? सवाल ही नहीं उठता। और चोरी सिर्फ किसानों से नहीं हो रही, चोरी शहरों में वर्कर से हो रही है, चोरी किसानों से हो रही है, चोरी छोटे बिजनेस वालों से हो रही है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से हो रही है, उनका भी भविष्य तोड़ा जा रहा है। तो अगर ये सोचें कि भाई ये सिर्फ किसान की बात है, गलत है। ये किसानों से मजदूरों तक जाएगा, शहरों में जाएगा, स्लम्स में जाएगा, फैलेगा ये। थैंक यू सईद। Well, that's something that we'll discuss, but we decided to boycott the president's address because we did not see the relevance of going there. And we didn't see the relevance of going there, and we wanted to stand in solidarity with the farmers. The boycott will go on in the budget. We'll decide that, and I don't think we need to tell you that now. Dana. देखिए, हमारा गोल है कि ये जो चोरी हो रही है, इसको मैं चोरी कहता हूं और कुछ नहीं है, ये चोरी रोकी जाए। ये हिंदुस्तान के 60% पॉपुलेशन के साथ चोरी की जा रही है, उसको हम रोकना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसानों की मदद कर सकते हैं, जो भी उन्होंने हमसे मांगा हम करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं चोरी रोकने। मैं डायरेक्टली टच में नहीं हूं, बट हमारे लीडर्स मतलब इंफॉर्मेशन तो आता रहता है। मेरा कहना है, आपने एक स्पेस खोली हुई है, आप किसानों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आपने मतलब एक यहां पे आंदोलन खड़ा है, पॉलिटिकल स्पेस है, आपको जल्दी से जल्दी उस स्पेस को बंद करना चाहिए, आप सरकार है, क्योंकि इससे देश का फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना है, इसको आप जल्दी रिजॉल्व कीजिए, आप टाइम जाया मत कीजिए। इसमें जो हमारे किसान हैं, उनसे आप जल्दी से जल्दी बात कीजिए और इसको रिजॉल्व कीजिए और सिचुएशन को ठंडा कीजिए, यह हमारा कहना है। उसमें दो तीन गलत प्रकार के लोग हों वो ठीक है, उन पर आप एक्शन लीजिए, मगर जो लाखों लोग खड़े हैं वो जेन्युइन लोग हैं।